आप यहाँ कितना देर से खड़ी हैं? किस लिए खड़ी हैं आप? पड़ोसी क्यों? हाँ क्यों? हमरा से बहुत दिक्कत है, इसलिए कि यहाँ ही जो आएगी तो रास्ता पर तो हमारा उसमें रास्ता पर न चढ़ जाए। अच्छा, इसलिए आप लोग तेजस्वी जी को रास्ता पे लाने के लिए रास्ता पे खड़ी हैं? एकदम तैयारी। मैं यहाँ पे तेजस्वी जी को देखने के लिए आई। क्यों तेजस्वी क्यों? क्योंकि वो आएंगे तो एक अलग सा सरकार बनेगा। हाँ? और फिर जो भी यहाँ पे बेरोजगार सब हैं जी, वो सबको नौकरी मिलेगा और बहुत कुछ स्कूल आपकी सुविधाएं अच्छी होगी। नमस्कार, मैं हूँ अतीश दीपंकर और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी मैं हूँ तारापुर विधानसभा के रायपुरा हाट, जहाँ पे तेजस्वी यादव जी का नुक्कड़ सभा होगा। इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले यहाँ के गोपाल कापड़ी जी हैं, जो जिला महामंत्री हैं आरजेडी के। पहले मैं उन्हीं से मिलूँगा। सर बताएं आप कि कैसे क्या कार्यक्रम आयोजन है और किस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हाँ, इस तरह का कार्यक्रम आज तक तो हम 80 से जुड़े हुए हैं राजनीतिक में, ऐसा कार्यक्रम हमने नहीं देखा। हाँ, उनका जो कार्यक्रम है सभी लोगों से मिलते जुलते आ रहे हैं और प्रत्येक अच्छे स्थान पर उनका एक नुक्कड़ सभा होने जा रहा है जी। जो कि एक रायपुरा भी स्थान ये है जी, और सारे गांव जो उनका आगमन होते जा रहा है सभी खड़गपुर से, आपका पुखरिया, पुखरिया से होते हुए आपका खाजेचक, खाजेचक से छोटी मनिया होते हुए आपका बड़ी मनिया होते हुए रायपुरा आगमन हो रहा है उनका, और कुछ ही क्षण में जी आने वाले हैं। हाँ, और यहाँ जो है इनका नुक्कड़ सभा होने जा रही है जी, जिसमें कि सारे ग्रामीण और जहाँ यहाँ के जितने भी लोग हैं। हाँ, यहाँ 40 बस्ती 50 बस्ती का कैपेसिटी है इस जगह का जी, यह जी, एक सेंटर है जी, और इस सेंटर को वो संबोधित करेंगे जी, माननीय तेजस्वी जी। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी को देखने के लिए काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। मैं उन्हीं से पूछूंगा तेजस्वी जी के विषय में। मैम, आप अपना परिचय बताइएगा। मैं गोपाल कापड़ी की वाइफ हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए मैम। मैं गोपाल कापड़ी की वाइफ हूँ जी। कविता कुमारी, थोड़ा जोर से बोलना। कविता कुमारी, मैं देखने के लिए ख्याल से आई हूँ जी, और जो मेरे मन में इच्छा है। हाँ, वो बताऊंगी जी, और बस उनके में रखूंगी, क्योंकि मैं इतना एमए पास की हूँ, फिर भी मेरे कुछ नहीं, नौकरी चाहिए, ऐसे भी बंदे। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा हार्ट चल रहा है। हाँ, मैं हार्ट के लिए हूँ। तेजस्वी क्यों? हाँ, तो उनको इसलिए चुना गया है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, हम लोग का अनौपचारिक में हुआ था, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। क्या लग रहा है तेजस्वी जी आएंगे कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ तो करेंगे जरूर जी। हम लोग का अनौपचारिक में हुआ था सर्विस जी, उसके बाद वो आए तो मेरा हम लोग का सर्विस ही खत्म हो गया। हुँ। हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं कि ये आए हैं, आएंगे तो हम लोग का सर्विस होगा। हम लोग तो उम्मीद रखे हुए हैं। उम्मीद रखी हुई है जी, रखे हुए हैं। चलिए ऐसे ही और अन्य महिलाओं से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक युवती भी हैं, ये तेजस्वी जी को देखने के लिए काफ़ी बेताब हैं। आप पहले अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम आकांक्षा कापड़ी है जी, और मैं यहाँ पे तेजस्वी जी को देखने के लिए आई। क्यों तेजस्वी क्यों? क्योंकि वो आएंगे तो एक अलग सा सरकार बनेगा। हाँ, और फिर जो भी यहाँ पे बेरोजगार सब हैं जी, वो सबको नौकरी मिलेगा और बहुत कुछ स्कूल आपकी सुविधाएं अच्छी होगी। तेजस्वी जी से आपको काफ़ी आशा है, अपेक्षा है? हाँ, लग रहा है कि उनका अगर कुछ सरकार बनता है या कुछ होता है कुछ कर पाएंगे वो। हाँ, तो बिहार में बहुत तरक्की है। आप कितना देर से खड़ी हैं तेजस्वी जी को देखने के लिए? करीब 2 घंटे से। जी, हम आप यह बहुत पसंद है। कभी कभी जोर से थोड़ा बोलिएगा। बेटा भी दोनों पढ़ लिखे है, ढनक रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमको सावित्री देवी। सावित्री देवी, आप यहाँ पे कितना देर से खड़ी हैं? अच्छा देर से खड़ी है, पुतहू है मुझको। अच्छा, ये आपकी पुतहू जी हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, यानी पुतहू सास और पुतहू देखे दोनों एक साथ खड़ी हैं। वही तो, कैसे नहीं खड़ी? अच्छा, किस लिए खड़ी है यहाँ पे? परसों ले लेके बढ़िया दीजिए मेरे। किनको देखने के लिए खड़ी हैं? जो आएगा उसको देखने के लिए। क्या नाम है जो आएंगे?
लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।